हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू ऑल आर वेल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ हेयर टॉनिक। ये जो टॉनिक है, इससे आप लोगों का जो हेयर फॉल प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होंगे, और उसके साथ ही आपके जो हेयर थिनिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा बाल पतले हो जाते हैं इतना ज़्यादा झड़ने की वजह से, और इमैच्योर जो जल्दी जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं या फिर जो कलर फेड आउट हो जाते हैं, तो उसे भी ये रिड्यूस करेगा। और ये सब प्रॉब्लम आई थिंक हम लोग सभी कोई फेस करते हैं, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सभी कोई ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, और स्पेशली हेयर फॉल का। और इस विंटर सीजन में क्या होता है कि हम लोग के स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा ईची हो जाते हैं, यानी कि उसमें डैंड्रफ आ जाते हैं और छोटे छोटे बम्प्स हो जाते हैं, जिसके चलते भी हेयर फॉल बढ़ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हम लोग के स्कैल्प को इरीटेट कर देता है। तो ये सब आप लोग का ये रिड्यूस हो जाएगा, और उसके साथ ही आप लोग का जो हेयर ग्रोथ है उसे भी ये प्रमोट कर देगा। तो मैंने ये जो हेयर टॉनिक तैयार किया, इसको अगर आप लोग लगाएंगे तो आप लोग को 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे मैंने आप लोगों के लिए ये वाला हेयर टॉनिक तैयार किया। और उससे पहले, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों के पास जाके पहुंचे। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को क्या करना है, पतीला ले लेना है और पानी बॉईल करना है, मतलब ये हम लोग को कोई भी इंडक्शन या फिर ओवन कहीं पे भी करना है। तो इसके लिए आप पहले एक पैन ले लीजिए और उसमें आप 2 ग्लास ऑफ वाटर बॉईल के लिए दे दीजिए। ये जो 2 ग्लास वाटर है ये 1 ग्लास में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसका पूरा आधा ही हम लोग को चाहिए। इसका जो भी चीज़ें हम लोग देंगे उसमें ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उसके साथ हम लोग जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो है टी, यानी कि चाय पत्ती। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून चाय पत्ती डाल दिया है। ये आई थिंक सबके घर में अवेलेबल होंगे, कहीं बाहर जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग को 2 टेबलस्पून ब्लैक टी, यानी कि जो काले चाय पत्ती होता है उसे ही डालना है, ग्रीन टी नहीं। और उसके साथ हम लोग जो डालेंगे वो है मेथी का दाना। मेथी का तो पता ही कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे हेयर के लिए, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून मेथी का दाना मैं डाल दी। और उसके बाद हम लोग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स है वो है जो अमरूद होते हैं ना, अमरूद के पत्ते। मैंने यहाँ पे 6 अमरूद के पत्ते ले लिए, यानी कि ग्वावा लीव्स। तो 6 आप लोग ले लीजिएगा, और उसके बाद इसको काट के या फिर आप लोग चाहे तो डायरेक्ट सीधा पत्ता को भी डाल सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा हाथों से ही काट के उसके बाद डाला है, ताकि मेरा जो पैन में है वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो स्पेशली इसको क्या करना है, आपको बॉयल करना है जब तक कि ये ग्वावा लीव्स यानी कि अमरूद के पत्ते ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक। और उसके साथ ही इसका जो कलर है एकदम ब्लैकिश टाइप आ जाएगा। तो आपको इसको 2 ग्लास से 1 ग्लास करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्वावा लीव्स इसलिए लिए क्योंकि ग्वावा में प्रेजेंट रहता है फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसके साथ विटामिन सी, विटामिन ई, जो आपका जो हेयर है उसको बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, आपके हेयर मतलब हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करता है। उसके साथ ही इसमें प्रेजेंट रहता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, जो स्कैल्प में ईचीनेस आ जाते उसे रिड्यूस करता है, आपके बालों को सॉफ्ट, शाइनी, मैनेजेबल बनाता है। और इवन इसे एज अ मैक्सिकन और साउथ अमेरिका में इस ग्वावा लीव्स को ये लोग ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वाला एक चीज़ है, बहुत जन को शायद पता नहीं होगा, लेकिन अब जब पता चल गया है तो इसे प्लीज़ आप लोग आपके हेयर टॉनिक में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो लिए है टी, तो टी में क्या होगा, टी में प्रेजेंट रहता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, जो आपके बालों को एक शाइन देगा, मॉइस्चराइज करेगा, सॉफ्ट बनाएगा, और उसके साथ ही जो स्कैल्प का प्रॉब्लम है उसे भी ये रिड्यूस करता है। तो टी भी बहुत ही बेनिफिशियल है इस हेयर टॉनिक में और हमारे हेयर के लिए स्पेशली। और उसके बाद हम लोग जो दिए है वो है फेनुग्री, यानी कि मेथी का दाना। तो मेथी का दाने में प्रेजेंट रहते हैं फॉलिक एसिड, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ए। तो ये तो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल सही है, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, हमारे बालों का जो डैंड्रफ है उसे रिड्यूस करता है। उसके साथ ही जो प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर हो जाती है, यानी कि हमारे बाल जो जल्दी सफ़ेद हो जाता है, जो पतले हो जाते हैं बालों के स्ट्रैंड, उसे ये मतलब ठीक करता है, आपके बालों का जो ग्रोथ है उसे इंक्रीज करता है। तो ये सारी चीज़ जो है, ये जो टॉनिक है, ये पूरे आपके हेयर के लिए एक मतलब बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स वाला टॉनिक है, जो आपके हेयर को बहुत ही अच्छे से लस्टर करेगा, आपके हेयर का जो कोलाजन प्रोडक्शन है उसे ये इंक्रीज करेगा, उसके साथ ही आपके हेयर जो हेयर फाइबर है उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा। तो इसे आपको बॉयल कर लेना है, और देखिए कैसा कलर आ गया है, पूरा ब्लैकिश टाइप। और जब ऐसा कलर आ जाएगा और पानी एकदम आधा हो जाएगा, उस टाइम पर आप इसको छान लीजिए। छान
उबालने के बाद जो आपको मिलेगा उसके साथ हम लोग जो ऐड करेंगे वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो हमारे बालों को और एक्स्ट्रा मॉइस्चर देगा और उसके साथ ही आपका जो बाल का मतलब ड्राई आउट हो गया स्प्लिट एंड्स है उसे भी ये बहुत हद तक रिड्यूस करेगा और आपके हेयर को बहुत ही अच्छा सा शाइन भी मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन 1 टेबल स्पून डाल दिया है। अब इसको मिक्स करके आप कोई भी एक स्प्रे बॉटल में ले लीजिए और उसके बाद आप अपने स्प्रे बॉटल की मदद से अपने पूरे हेयर को हेयर पे अच्छे से लगाइए। आप जब इसे लगाएंगे तो आपके बालों स्पेशली आपको स्कैल्प पे लगाना है, आपके पूरे स्कैल्प को इस पर कवर कर देना है। उसके बाद आप एंड्स में भी लगा सकते हैं। मैं स्प्रे बॉटल से लगा रही हूँ, आपके पास अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप जैसे कोई भी मग में या फिर कोई भी कंटेनर में लेके बेसिन के सामने जाके अपने पूरे हेयर को इससे वॉश आउट मतलब पूरे भिगो सकते हैं वैसे करके भी। लेकिन स्कैल्प में लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, स्कैल्प आपका मेन है क्योंकि हम लोग का जो भी ग्रोथ है वो स्कैल्प से ही शुरू होता है, वहीं से हम लोग के बालों को न्यूट्रिशन देने का ज़रूरत पड़ता है। तो आपको वहीं पर पूरे अच्छे तरीके से लगाना है, अपने पूरे बालों पर कहीं पर भी छोड़ना नहीं है। और इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, 15 to 20 minutes या फिर ज़्यादातर आप आधा घंटा तक इसे रख सकते, उसके बाद आप हेयर को वॉश कर लीजिए। आप देखिए मेरे हेयर में जो ग्लो आया है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने कोई भी कंडीशनर नहीं यूज़ किया, मैंने बस पैराबेन सल्फेट फ्री एक शैम्पू यूज़ किया है जो बहुत ही नेचुरल वाला शैम्पू है, और मैंने कंडीशनर नहीं लगाया था क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था कि इसका रिजल्ट कैसा आने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो विदाउट कंडीशनर विदाउट सीरम सिर्फ शैम्पू से ही मेरे बाल कितने अच्छे और कितने मैनेजेबल लग रहे, कितने बाउंसी लग रहे, मुझे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला। मेरे हेयर फॉल्स बहुत ही ज़्यादा होते थे, बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं जब भी हेयर कॉम करती थी मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम था, लेकिन मैं इसे कंटिन्यू 3 वीक्स से यूज़ करी और मेरे बाल में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। आई होप कि आप लोगों के बालों में भी इतना ही अच्छा इफेक्ट करे, इतना ही अच्छा काम करे। तो प्लीज़ इसे यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, इसे आप लोग हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते, 2 या 3 बार, इसका कोई लिमिट नहीं। आप लोग आराम से इसे यूज़ कीजिए। अगर शैम्पू भी नहीं करना चाहते तो बाल को अच्छे से वॉश आउट करके भी रख सकते, लेकिन अच्छा होगा कि शैम्पू कर ले इनकेस बाल थोड़ा, क्योंकि इसमें पूरा ब्लैक ब्लैक वाटर निकलेगा जब आप बाल वॉश करेंगे, तो शैम्पू कर लेना बेटर है। सो प्लीज़ फ्रेंड इसे यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप लोगों के हेयर में ये कैसा काम किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी ग्लैमरस। बाय बाय।